समिता शेट्टी और राकेश बापट ने बनाया मास्टर प्लान, नेहा और प्रतीक को नहीं करेंगे सपोर्ट। बिग बॉस ओटीटी में समिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। शुरू शुरू में इनके कनेक्शन को काफी वीक बताया गया था और राकेश बापट को संडे का वार के दौरान शो के होस्ट करण जौहर की फटकार भी मिली थी कि आप काफी स्लो हो और दिखाई नहीं दे रहे हो। वहीं दूसरी तरफ समिता शेट्टी को घर में उनके बर्ताव को लेकर भी फटकार मिली थी, लेकिन समिता शेट्टी और राकेश बापट इस समय शो में बेहतर करते नजर आ रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हुई है। वह मजबूत कनेक्शन के तौर पर सामने आए हैं और उनकी यह करीबी शो में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से राकेश बापट समिता शेट्टी के करीब आए हैं और वह उन्हें किस करते दिखाई दिए हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से अपनी व्यक्तिगत और निजी बातें भी शेयर करते हुए सुनाई दिए, ऐसे में इनके सच में करीब आने की खबर तेजी से सुर्खियां बटोर रही है और इस तरह की बातें सामने आ रही है कि यह दोनों सच में एक दूसरे के काफी करीब हो गए हैं और इनकी बॉन्डिंग काफी बेहतर हुई है और दोनों अपने खेल को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी कंपटीटर नेहा और प्रतीक के लिए एक प्लान बना रहे हैं। राकेश बापट समिता शेट्टी से यह कहते हुए सुनाई दिए हैं कि अपने कंपटीटर को रास्ते से हटाना चाहिए और इसलिए हम आगे से नेहा और प्रतीक का समर्थन नहीं करेंगे। यानी अब टास्क में और घर के भीतर राकेश बापट और समिता शेट्टी नेहा और प्रतीक का समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे। आपको बता दें कि समिता और नेहा अच्छी दोस्त हैं और दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है, लेकिन राकेश द्वारा बनाए गए इस मास्टर प्लान के बाद वह इस कंपटीशन को अपने रास्ते से हटाना चाहेंगे। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे नेहा और समिता का रिश्ता किस तरह से बनता और बिगड़ता है और वीकेंड का वार के दौरान राकेश और समिता की बॉन्डिंग पर शो के होस्ट करण जौहर क्या कहते हैं।